जीके करंट अफेयर की सीरीज में, जहां पे आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीरीज होगी ई-लर्निंग पे दुर्गेश निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार ये जूनियर शिक्षक भर्ती और प्राइमरी शिक्षक भर्ती की एक महत्वपूर्ण सीरीज है, जहां से आपके परीक्षा के हूबहू प्रश्न जैसे बनेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके लिए हाजिर है। तो बिना देरी किए आप अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ यह वीडियो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपके सामने पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा प्रश्न नंबर एक जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धातु है जो बिजली संचालित करती है। देखने में थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पर जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ, कुछ लोग के अनुसार आपको जरूर जवाब देना चाहिए, चाहे सवाल गलत हो या सही हो। देखिए, सवाल गलत का मतलब उत्तर गलत हो जाए आपका। पहला है शीशा, लकड़ी, हीरा या कोयला। तो गैर धातु जो बिजली संचालित करती है, इस प्रश्न का उत्तर होगा कोयला। तो बहुत सारे साथियों ने इसका उत्तर कोयला दिया है। कोयला वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। कोयला एक गैर धातु है जो बिजली संचालित करती है। ग्रेफाइट कार्बनिक कोयले का अपरूप है। क्या चीज? ग्रेफाइट, याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन कोयले का अपरूप है। ये काले भूरे रंग का एक अधातु है। ये विद्युत तथा ताप का सुचालक भी है। ये विद्युत तथा ताप का दोनों का एक सुचालक है। इसलिए यहाँ पर जो ये प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर होगा ग्रेफाइट या कोयला। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कोयला कितने प्रकार का होता है? याद रखिएगा, कोयला चार प्रकार का होता है। भारत में कौन सा कोयला बहुतायत मिलता है? सबसे अच्छी किस्म का कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। तो जी हाँ, सभी लोग फटाफट जरूर कमेंट करिएगा और ये बताइएगा कि आपके जानकारी के अनुसार चारों प्रकार के कोयले कौन कौन से होते हैं। जी हाँ, भारत में सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा मिलता है? ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न नंबर दो के लिए। अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा है वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यह वीडियो फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क आपके लिए लाइव है। अगला है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? जी हाँ, एक आसान सा प्रश्न है आपके लिए, हमारे लिए, उन सभी के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जब भी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। कमेंट का मतलब आप परीक्षा हाल में बैठे हैं। जी हाँ, पिट लिग्नाइट बिटुबिनियस एंथ्रासाइट, हाँ चार प्रकार के कोयले होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रश्न का उत्तर होगा, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। वनस्पति तेल की अगर हम बात करें तो मूंगफली के तेल को हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से वनस्पति घी में बदला जाता है। इस प्रश्न का उत्तर भी सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपके बीच, शायद आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, अब की बार एक सीट हमार, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी दिए गए प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि आपकी जो सीरीज पढ़ रहे हैं इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं, एकदम हूबहू ऐसे प्रश्न आने वाला है। इस प्रश्न का अगर हम उत्तर की बात करें तो जी हाँ, एक वाष्पशील द्रव से वाष्पित होने से रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से। फ्रिज में रखे वस्तुओं के तापमान को नियंत्रित करने का काम फ्रिज के पिछले हिस्से में लगा LED कंट्रोल पैनल करता है। मैंने अगर यहाँ पे इस प्रश्न का अगर आप लोगों ने उत्तर बी बताया है, इन सभी का जवाब सही है। अगर आप देखना है कि 50 कॉमन पेपर जो है सभी के लिए, आप इसमें कितना सही करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, भारत ने किस दक्षिण अफ्रीकी देश के साथ अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की? जी हाँ, प्रश्न नंबर चार का आपको जवाब देना है। सभी लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, वो सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, ये करंट का सवाल है, 8 सितंबर 2020 को भारत और अंगोला, ध्यान से देखिएगा, भारत और अंगोला
ने अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की। इस दौरान देशों ने अपने व्यापार संबंधों का विस्तार करने का निर्णय लिया, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण, दूरसंचार, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। अंगोला जो है वो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। अफ्रीका का सातवां सबसे बड़ा देश है। अंगोला जो है ये दक्षिण अफ्रीका का सातवां सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। अंगोला स्वतंत्रता मिलने के बाद 1975 में भारत और अंगोला के राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। अंगोला भारत के मुख्य रूप से तेल संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अंगोला। अगला सवाल आपके सामने है, जी हाँ, आप प्रश्न नंबर 5 आपके सामने होगा। सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? एकदम आसान सा प्रश्न है आप सभी के लिए। देवदार, चीड़, शाल, सागौन, बताइए जल्दी से कमेंट करके। मेरे साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जवाब दीजिए। जी हाँ, देवदार, चीड़। देखिए बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जिस तरह से जवाब दे रहे हैं ना, यही बस यही सीरीज अपनी परीक्षा में बनाए रहिएगा। यकीन मानिए कोई भी आपको परीक्षा से वंचित नहीं कर पाएगा, एकदम नजदीक पहुंचेंगे सिलेक्शन के। एकदम सही उत्तर आप लोगों को दिया है, देवदार। आइए जानते हैं इसके बारे में। पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। यह अगर देवदार की बात करें तो ये समुद्र तल से ये 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 1500 से लेकर 2500 की मीटर की ऊंचाई पर ये वृक्ष पाए जाते हैं, माने हिमालयी देवदार। अगर चीड़ की बात करें तो ये 900 से लेकर 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। साल सागौन तो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ये पौधे जो होते हैं शंकुधारी या शंकुआकार होते हैं, इनमें चीड़ होता है, देवदार, पाइन, लेकिन देवदार जो होता है हिमालयी देवदार वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो इसका सही जवाब होगा। बी का भी मैंने बता दिया, तो यहाँ पर हिमालयी देवदार जो है उसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। अगला है, जोनास साल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? जी हाँ, आपको जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपने इस प्रश्न को देखा, एक बात आपको जरूर समझ में आया होगा कि वास्तव में इल्लनी बिद्रगेस की जो क्वेश्चन बैंक होती है ना, जो प्रश्न की सीरीज होती है, वो इतना बेहतर तैयार की जाती है आपके लिए ताकि इससे बाहर आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न ना आने पाए। पूरी इस बात का ध्यान रखा जाता है हमेशा। तो चलिए आइए इस बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, इस पर हम लोग नोट्स बनाते चलेंगे। आप इसको नोट बनाते लीजिएगा, ये लास्ट टाइम आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ये बात आपको शायद ना पता हो लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये आपके परीक्षा के लास्ट टाइम ना जब परीक्षा हाल में घुसने वाले होंगे बहुत काम करेगा। इसका उत्तर जो होगा प्रश्न नंबर 6 का, ये होगा पोलियो का टीका। एकदम सही आप लोगों ने बताया है, पोलियो का टीका। इसकी खोज अमेरिकी के शोधकर्ता जोनास साल्क ने की थी, ठीक। एडवर्ड सेनबिन 1952 में मुक्त लेने वाली पोलियो ड्राप की खोज करके प्रतिरक्षीकरण और आसान बना दिया था। पोलियो रोग निष्पंदी विषाणुकरण होता है, ठीक है, इसमें रीढ़ की हड्डी आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये प्राय बच्चों में होता है, किसे? बच्चों में होता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 7, सभी लोग जवाब दीजिएगा। साइंस, इतिहास, भूगोल, संविधान, हिंदी, सॉरी आपके करेंट और उत्तर प्रदेश स्पेशल, विविध, इकोनॉमी, उन सभी पाठ्यक्रम हैं जो परीक्षा में है। जब बिजली बंद हो जाती है तो किस मेमोरी में कॉन्टेक्ट्स नष्ट नहीं होते? जी हाँ, यह आपने देखा कि यहाँ पर आपके जो प्रश्न है वो कंप्यूटर से भी है, क्योंकि सिलेबस में आपके कंप्यूटर भी तो है, जो जो आपके सिलेबस में है वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है आज। बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। देखिए यहां पर आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, केवल रोम, केवल रोम में, केवल रोम, एक इसका सही जवाब है। कैसे? इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ये कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है। ये क्या होती है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। बिजली जाने के बाद भी इसमें कॉन्टेक्स्ट नष्ट नहीं होते। अगला, फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, चाहे इसे फेसबुक पेज पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं, यह अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
यहां पर आपको एकदम आसानी से जानना होगा कि इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था उसने फूट डालो राज करोड़ की नीति अपनाई। इसके तहत कर्जन ने बंगाल विभाजन क्या किया था, इसने बंगाल विभाजन। तो अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन किस शासन के समय हुआ, इसका जवाब आप लोग को पता होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक के क्लास से संतुष्ट हैं तो वीडियो का लाइक का बटन दबाने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, उन सभी तक पहुंचाइएगा जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते रहिएगा, इन्होंने डाक तार रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड बेलेजली के बारे में आपको बताना है, लॉर्ड बेलेजली से एक प्रश्न पूछा जाता है, जी हाँ बंगाल विभाजन 1905 एकदम सही जवाब है, सही जवाब है डाक तार रेलवे लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, जी हाँ हड़प नीति। हड़प नीति का संबंध किससे था, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, सिलेबस से बाहर नहीं है। ठीक, हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लॉर्ड बेलेजली के बारे में आपको बताना है, हड़प नीति कौन था, डाक तार रेलवे लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला सवाल आपके सामने है, हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए देश में इतनी मिलीटन DDT की आपूर्ति की। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, ये DDT क्या था। चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक कर इस प्रश्न के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के तहत सरकारी स्वामित्व वाली HIL इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए जाम्बिया को, किसको, जाम्बिया को, इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, जाम्बिया को, जी हां, अर्गनोक्लोरीन कीटनाशक DDT की आपूर्ति की थी। यह विश्व स्तर पर DDT के मात्र निर्माता है। DDT एक रंगहीन बेस्वाद गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है जो मूल रूप से कीटनाशक के रूप में विकसित होती है, और WHO ने मलेरिया मच्छर के खतरे को नियंत्रित करने के लिए DDT को एक कुशल IRS रसायन के रूप में अनुमोदित किया था। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, बी है। ऐसी सीरीज आपने YouTube पर नहीं पढ़ा होगा, एकदम तोड़ तोड़कर, जी हां। अगला है, बंगाल प्रांत का विभाजन किस वायसराय के काल में किया गया, बंगाल प्रांत का विभाजन किस वायसराय के काल में किया गया, जल्दी से जवाब दीजिएगा, बंगाल प्रांत का विभाजन किस वायसराय के काल में किया गया, जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को जहां भी आप देख रहे हैं, किस वायसराय के काल में किया गया। अभी इस प्रश्न के बारे में हम लोगों ने बात किया, अगर अब भी आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाएंगे, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरा पढ़ाना बेकार है, क्योंकि हम पूरे तथ्यों की पूर्ण व्याख्या करेंगे, क्योंकि सफलता का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, सफलता का कोई भी शॉर्टकट होता ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहां पर अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। बंगाल प्रांत का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ध्यान से देखिएगा, मैं इस प्रश्न का पूरी व्याख्या करूंगा। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल प्रांत 19 जुलाई 1905 को बंगाल प्रांत को दो प्रांत, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित करने की घोषणा किया था। घोषणा कब हुई थी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो प्रश्न आपके आएंगे। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो 19 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी, 19 जुलाई 1905 को हुई थी। लेकिन अब ये पूछा जाए कि लागू कब हुआ था, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर है, एकदम लिख लीजिएगा, नोट अगर बना रहे तो नोट बना लीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था। ठीक, यहां पर कई चीजें आप लोग को जानना होगा, लेकिन आपको एक बात और जाननी चाहिए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, अगर यहां से अच्छा लगे टॉपिक तब वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए अब आगे चलते हैं, फिर हमने देखा दिल्ली दरबार, जॉर्ज पंचम, आपने सुना होगा जॉर्ज पंचम,
जॉर्ज पंचम ने 1911 में क्या लगाया था? दिल्ली दरबार। उस दिल्ली दरबार के बाद इसे वापस ले लिया गया। कब लिया गया? इसे वापस लिया गया, लेकिन ये लागू कब हुआ? फिर ये लागू हुआ कब? 1912 में। माने बंगाल विभाजन को दिल्ली में जो दिल्ली दरबार लगा, जॉर्ज पंचम 1911 में इसे वापस लिया, लेकिन फिर ये लागू 1912 में हुआ। ठीक है, चलिए अब यहां पे लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में बात करते हैं। ये 1888 से लेकर 94 तक, 1894 तक थे, 1894 तक भारत के वायसराय थे। इनके समय भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ। कब? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ था। ठीक, अब लॉर्ड एल्गिन के बारे में जानिएगा। ये लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट थे। ये लॉर्ड एल्गिन अगर फर्स्ट 1852 से ये 63 तक थे। ठीक है, ये फर्स्ट। अगर लॉर्ड एल्गिन सेकंड की बात की जाए, तो सेकंड कब से कब थे? लॉर्ड एल्गिन सेकंड, ध्यान से देखिएगा, मैं फर्स्ट बता दिया, ये लॉर्ड एल्गिन सेकंड की बात करें, जो सेकंड थे ये 94 से 99 तक थे। ये 1894 से 99 तक थे। इनके समय रॉयल आयोग नामक अकाल आयोग, जी हाँ, रॉयल आयोग नामक अकाल आयोग तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव, चापेकर बंधुओं द्वारा पूना रेंड एवं एरिस्ट की हत्या की गई थी। जी हाँ, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, कई की पॉइंट होगा। इनके समय क्या क्या हुआ था? रॉयल आयोग क्या हुआ था? रॉयल आयोग लिख लीजिएगा, परीक्षा वाले प्रश्न है। रॉयल इसे हम लोग अकाल आयोग भी कहते हैं, अकाल आयोग। इनके समय लॉर्ड एल्गिन के समय तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव कौन शुरू किया था? एकदम इंपॉर्टेंट यूनिक प्रश्न, 1895 कौन? तिलक। ठीक है, तिलक ने, चापेकर बंधुओं ने पूना रेंड एरेस्ट की हत्या की थी। अच्छा, मार्ले मिंटो के बारे में जान लीजिएगा। आइए, मार्ले मिंटो के बारे में देखिए, मार्ले मिंटो के बारे में जानते रहिएगा। ये मार्ले मिंटो ये भारत के सचिव थे दौरे पर दौरान। ये 1908-1909 भारत दौरा सचिव थे। इनके प्रस्ताव द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है 1909। इनके प्रस्ताव द्वारा मार्ले मिंटो सुधार 1909 आता है। क्या आता है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 आता है। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक, यहां तक अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर पढ़ाने में कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा। अगर ये सारी चीजें बेहतर लगे तो इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो समझ में आए करे। ये क्लास देश हित में, राष्ट्र हित में, आप सभी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगर ऐसी सीरीज आपको कहीं यूट्यूब पर मिल जाए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल है आपका, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसका राजदूत था? जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपके लिए स्पेशल क्लास शुरू होने जा रही है, जिसके लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा। जल्दी आपको कैप एकदम परीक्षा वाली स्पेशल क्लास मिलेगी, जो चंद समय में आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए देखिए, मेगस्थनीज के बारे में यहां पे आप लोग सारी बातें जानते होंगे। मेगस्थनीज यूनान का राजदूत था। कहां का? यूनान का राजदूत था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था, जिसने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। मेगस्थनीज ने सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष नगद वेतन दिया था, ऐसा उसने लिखा। प्रश्न नंबर अगला, मीनाक्षी मंदिर कहां है? यह क्लास आपको प्रतिदिन रात 9:30 ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव मिलती है। प्रतिदिन सुबह 6:30 करंट की सीरीज आपको मिलती है। जी हाँ,
करंट की सीरीज आपको प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे डेली टॉप 20 MCQ नैनो मैगजीन। देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, और मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। जी हाँ, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये पांड्य शासकों की राजधानी और प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र मदुरई में स्थित है। यहाँ से किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकता है, ठीक है। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, जरूर कमेंट करिएगा। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, जवाब जरूर दीजिएगा। यह होगा मदन मोहन मालवीय। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय 1916 में किया था। बसंत पंचमी के दिन, किस दिन, बसंत पंचमी के दिन मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए अब हम और आगे चलते हैं, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है ना। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। भारत के सहयोग से ISA सदस्य के देशों में सौर ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन जो फैसिलिटी स्थापित की गई, तो बताइएगा कब। चलिए इसके बारे में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा एक्जिम बैंक। इसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, 8 सितंबर 2020 को ISA द्वारा आयोजित विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि ISA सदस्य देशों में एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से बैंकबल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की गई है, ठीक है। अगला, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सिलेक्शन वाला क्लास है आपकी। वास्तव में जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे इस क्लास की वैल्यू जरूर जानते होंगे। प्रोफेसर अमर सेन को सम्मानित किया गया था, ये क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए प्रोफेसर अमर सेन को सम्मानित किया गया था, जरूर जवाब दीजिएगा। प्रोफेसर अमर सेन को सम्मानित किया गया था, बताइए दीदी। चलिए आइए बात करते हैं, इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। यहां पर होगा इन्हें भारत रत्न से और नोबेल पुरस्कार से भी, इसका बी और सी दोनों होगा। अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इन्हें 1998 में नोबेल मिला, अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। अगर भारत रत्न की बात की जाए तो फिर इन्हें यह नवंबर 1999 अर्थात 3 नवंबर को, मान लीजिए 3 नवंबर 1999 को इन्हें भारत रत्न मिला। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों, अर्थात इसका उत्तर डी होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक कौन है, आइए इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। यार आप लोग ने वीडियो को लाइक किया है ना, शेयर किया है, यार खुद को बुरा लगता है यार, आप लोग को मतलब ये खुद को सोचना चाहिए कि लोगों तक पहुंचा दे। खैर छोड़िए, द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक अमित त्रिपाठी है। कौन है, अमित त्रिपाठी है। इसकी विस्तृत व्याख्या अगर हम करें तो ये भारतीय लेखक है, इन्होंने द इम्पर्टल्स ऑफ मिल्ला, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध, इनकी कहानी पर हॉलीवुड ने फिल्म भी बनाई। हॉलीवुड में
ने इनकी कहानी पर एक फिल्म तक बना डाली। अगर हम झुप्पा लड़ी की बात करें, इनकी पुस्तक अगर आप लिखना चाहते लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, ये भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार थे, इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज, द नेम सेक एन एक्सटेंडेड अर्थ द वंस इन ए लाइफ टाइम इनकी रचना है। अगर हम रविंद्र सिंह की बात करें तो एक प्रेम कहानी मेरी थी, तुम्हारे सपने अपने तथा लाइफ इट हैपेंड यस्टरडे इनकी प्रमुख रचना है। सलमान रश्दी की बात करें, द सेनेटिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रेन, टू ईयर्स इट मंथ्स एंड 20 एट्स नाइट इनकी प्रमुख रचना है। अगर चाहे तो लिख लें। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? यहां पे दो प्रश्न हैं। यहां पर अगर कह दिया जाए संवैधानिक रूप लेने के बाद, यहां पे प्रश्न में कह दिया जाए संवैधानिक रूप के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया, तब इसका उत्तर क्या होगा, उसके पहले का उत्तर क्या होगा। यहां पर दो प्रश्न होंगे, आइए दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं। पहले जो दिया गया उस प्रश्न का उत्तर तो राजस्थान होगा। राजस्थान को सबसे पहले 2 अक्टूबर, जी हां 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों से लागू किया गया। लेकिन जब इसे ध्यान दीजिएगा और फिर आगे चलते हैं, अगर हम यहां पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो 11 अक्टूबर 1959 को भारत का दूसरा राज्य बना। ये पहला राज्य हो गया। अगर दूसरा राज्य पूछा जाता तब आप क्या बताते, आंध्र प्रदेश, कब, 11 अक्टूबर 1959 में। लेकिन याद रखिएगा जब 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इससे अनुसूची 11 जोड़ा गया तो पहला राज्य मध्य प्रदेश था। भारतीय संवैधानिक दर्जा माने 1993 में संवैधानिक दर्जा लेने के बाद ये सबसे बात ये मध्य प्रदेश में लागू हुआ। 1993 में जब यहां पर अनुसूची 11 जोड़ी गई और इसमें अनुच्छेद भाग 9 हुआ, भाग कितना था, भाग 9 अनुच्छेद 243 क सरण तक, अनुच्छेद 243 क से अण तक, इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं, अनुसूची 11 में है, कब, 1993 में 73वां संविधान संशोधन के बाद। यहां तक समझ में आ गया, यहां पे दो प्रश्न बने, 17 का भी हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश कब होगा, जब वो कानूनी जामा पहन लिया माने 1973वें संविधान संशोधन बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इस प्रश्न का यहां का उत्तर लाएंगे तो ये सही होगा, ठीक है। संवैधानिक रूप लेने के बाद पहला राज्य मध्य प्रदेश, वैसे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दिए गए प्रश्न का वो बी होगा। क्या होगा, बी। क्या आपको समझ में आ गया, अनुच्छेद 243 में 29 विषय हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? अब इसके बारे में हम लोगों ने पूरा पूरा जिक्र किया, आइए सबके बारे में हम लोग बात करते हैं। 10वीं सूची, यह दल बदल से है, दल बदल से संबंधित है। यह कब आई थी, 52वां संविधान संशोधन, रट लीजिएगा, एकदम यूनिक है, 1985। अगर हम 8वीं की बात करें तो 22 भाषाओं का, 22 भाषाएं, कितनी, 22। इसमें से ठीक है मूल कितनी थी, मूल भाषा प्रारंभ कितनी थी, 14 थी, ठीक। 11वीं सूची क्या है, इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो क्या होगा, 11वीं सूची शीर्ष प्रश्न का राइट आंसर। अगर हम 12वीं सूची की बात करें, 12वीं सूची
यह होगा 74वां संविधान संशोधन, एकदम यूनिक प्रश्न तोड़ तोड़ कर मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर अगर परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाए फिर बताइएगा इसमें क्या होगा। ये बताइए ये शहरी लोग के लिए, ये नगर निकाय के लिए है, नगर पालिका, इसमें कितने विषय हैं, इसमें कितने विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं, लेकिन इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय, इसमें कितने हैं, 29 विषय, इसमें 29 विषय हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को तैयार हो गया, किसी कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता सकता है, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। क्या आप लोग को सबको समझ में आ गया 9वां अनुसूची क्या है, अब जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग कि अनुसूची 9 क्या, एक बचा हुआ है 9, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या है और कब जोड़ा गया, बताइए सभी लोग। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ये वीडियो अपने साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, अगर आप इस क्लास से संतुष्ट हो तब, अगर आपको लग रहा है कि आप इस क्लास से आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अनुसूची 9 क्या है, कुछ लोग भाग 9 बता रहे भैया, भाग 9 ये पंचायत है, यह पंचायती राज है, यह अनुसूची 9 की बात हो रही है, अनुसूची 9 क्या है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अनुसूची 9 क्या है, भूमि सुधार इसका राइट आंसर होगा, ठीक। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, यह क्लास आपके लिए यादगार होगी। अगला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया, आइए इसके बारे में बात करते हैं, इसका होगा फिनलैंड ने, किसने, फिनलैंड ने, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद नॉर्वे है डेनमार्क है, ठीक। भारत 140वां है, भारत 140वां है। अगला है 20, ठीक। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों के लिए होती है चुनाव वर्ष को छोड़कर, जवाब दीजिएगा सभी लोग। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है, इसका मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। वोट एंड अकाउंट, इसका वोट ऑन अकाउंट, अकाउंट यहां पर देखा जाए तो ये 2 महीनों के लिए होता है, कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, मतलब भारतीय संसदीय प्रणाली में वोट ऑन अकाउंट की वैधता 2 महीने के लिए होती है। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है किंतु सरकार को इसके पूर्व रुपए की आवश्यकता हो सकती है, अनुच्छेद 116 का क या ए में। लोकसभा लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है जिसकी वैधता 2 महीने तक के लिए होती है। जी हां, एकदम रट लीजिएगा, यह यूनिक प्रश्न है जो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश की सीरीज में उपलब्ध होगा, ये किताबों में जल्दी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। अगला प्रश्न नंबर 21, सबको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 21, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है, सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। यह क्लास ऑनलाइन से संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क और देश हित में क्लास चलती है।
यार वीडियो को शेयर कर दीजिए। यकीन मानिए इससे बेहतर आपको चैनल पर वीडियो नहीं मिलेगी किसी इतनी विस्तृत व्याख्या के साथ। देखिए किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ विक्रेताओं का वर्चस्व होता है यह याद रखिएगा, अल्पाधिकार, इसके बारे में मैं व्याख्या करके जरूर बताऊंगा। देखिए अल्पाधिकार की अगर हम बात करें तो बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। जब बाजार में वस्तु थोड़ी विक्रेता हो या तीन चार हों तो उसे अल्पाधिकार कहते हैं। कुछ होते हैं सीमेंट पेट्रोल, इसके उदाहरण होते हैं। अगर हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात करें, अगर हम पूर्ण स्पर्धा की बात करते हैं इसमें क्या होगा, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता उस समय पाई जाती है जिसमें प्रत्येक उत्पादन की उपज मांग लोचदार, जैसे सोना हुआ, कृषि हुआ, मतलब क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक हो। एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार मतलब वह जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, क्रेता की संख्या अधिक होती है, विक्रेता पूर्ति तथा मूल्य निर्धारण नियंत्रण, मतलब कोई एक बेच रहा हो। एकाधिकारी वास्तविक बाजार में विभिन्न एकाधिकारियों के बीच प्रतियोगिता होती है जिसे हम एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? 22 बताइए बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बंद अर्थव्यवस्था क्या है? एकदम आसान है, माने ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो, इसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, जहां पे आयात निर्यात न हो। बंद अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार अपनी सीमाओं के भीतर सेवा प्रदान करना है। यह अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती है। यह जो अर्थव्यवस्था होती है आत्मनिर्भर होती है। आप लोगों ने लॉकडाउन के दौरान देखा होगा बंद इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, न किसी से लेना है न किसी को देना है, वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। 23 क्या कह रहा है? बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये एकदम परीक्षा वाले प्रश्न है, सब बताइए, जवाब दीजिए। जल्दी जवाब दीजिए। देखिए बियर तथा जो बुल है ये शेयर बाजार के लिए, एकदम बात जानते रहिएगा। शेयर बाजार अन्य शब्द अगर देखा जाए तो लेम है, स्टैग है, डक है, ये सभी शेयर बाजार से जुड़े हुए शब्द हैं। यह जानते रहिएगा, लेम आएगा, स्टैग आएगा, डक आएगा, ये सभी शेयर बाजार से संबंधित हैं। यह यार आप लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं उतने लोग लाइक करेंगे ना, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर बाद में कोई वीडियो देखता है तो उसको लगता है हाँ कि दुर्गेश सर ने कुछ अच्छा पढ़ा होगा तो इतने लोगों ने लाइक किया। अगर आप क्लास से संतुष्ट हैं ना तो ये दो काम जरूर करिएगा, बाकी आपकी मर्जी। डायमंड रिंग की घटना क्या है? डायमंड रिंग की घटना होती है, बताइए डायमंड की घटना कब होती है? सभी लोग बताइएगा, ये भूगोल का प्रश्न है, सभी साथी जवाब देंगे। प्रत्येक पूर्णिमा की, प्रत्येक अमावस्या, सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्रग्रहण के, सूर्य ग्रहण के दिन, एकदम यूनिक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न चुन चुन कर आते हैं। डायमंड रिंग दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेती है, कुछ सेकंड पहले कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, अमावस्या। अगर चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो पूर्णिमा, ठीक है, लगभग पूर्णिमा को यह अमावस्या होता है। ये दो बातें जानते रहिएगा, ठीक। आगे चल रहे अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला 1 2019 का खिताब किसने जीता? 25 बाल्टेरी बोट्टास, ठीक है,
ये मर्सिडीज टीम के ड्राइवर थे। किस टीम के? मर्सिडीज टीम के ड्राइवर थे। ठीक, कोई दिक्कत यहां से? लुईस हैमिल्टन को सेकंड स्थान मिला था, ये भी हट मर्सिडीज के थे। मार्क वेटसन को तीसरा स्थान मिला था, अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए यहां पे मैं सभी के बारे में बात कर लेता हूं। सभी लोग जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए यहां पर मेघालय राज्य इसका होगा। मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 27.95% रही। ठीक, अगर संसाधित पूछता तो दादर नगर हवेली में 55.8 था। अगला है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। एनएच सबसे लंबा, जबकि एनएच 44 है। कितने 11 राज्यों से होकर गुजरता है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में नेशनल राजमार्ग 15,436 किलोमीटर है, सबसे लंबा। यूपी 87.11 है, दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। कोलकाता नहीं है, मतलब पश्चिम बंगाल की बात करें, चौथे स्थान पर है 29.98 की। तमिलनाडु 53.81 है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा, कच्ची सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा कहां पर है? तो कच्ची सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आप लोग इस क्लास से संतुष्ट नहीं है क्या? हर लोगों को पहुंचाइए, क्लास 9:30 चलती है, मोबाइल में अलार्म लगा के बैठ जाइए। करंट की सीरीज सुबह 6:30 पर चलती है, सभी प्रतिदिन करंट, डेली करंट सुबह 6:30 टॉप 20 नैनो मैगजीन। देखिए प्राकृतिक गैस अगर हम बात करें, रट्टा मार लीजिए इस प्रश्न का उत्तर, वो मैथेन होती है, CH4। इसे मार्स गैस कहते हैं। ये एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ये धान के खेत से, जुगाली करने वाले पशु से, दलदली भूमि से, गोबर गैस प्लांट से, पुराने कुओं से, आदि जगह से निकलती। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना किसने किया था, ये कहां किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बताइए। कानपुर, इस प्रश्न का उत्तर है। कैसे? अक्टूबर 1924 में, 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा। कौन? भगत सिंह, 1928 में। ठीक, चलिए हम और आगे चलते हैं। देखिए सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर आप चाहें शॉर्टकट से पढ़ें तो शॉर्टकट इसका नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहां पर इसका बताइए? हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? शंघाई में। इनके सदस्य कितने हैं? सदस्य देश 5। इसका आकार
सदस्य देशों के मध्य वित्त और विकास को बढ़ावा देना 2014 इसका सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत? ब्रिक्स 1996 में आया था, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संघ 2003 में आया था, 2009 में ब्रिक्स आया था, 2009 में ब्रिक्स आया था, ब्रिक्स 2009 में था। ठीक है, 96 में शंघाई सहयोग आया था। चलिए अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन भारत की आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? प्रश्न नंबर 31 का जवाब सभी को देना है, भारत की आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, यह नकारात्मक प्रश्न है, बताइए। जब भी लोग जवाब दीजिएगा, यह 50 प्रश्नों की सीरीज होती है जो आपकी परीक्षा के सिलेबस के आधार पर है, पूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर है। जी हाँ, जल्दी कमेंट करिएगा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से आप प्राप्त कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए, रोजगार सृजन सही है, आत्मनिर्भरता सही है, औद्योगिक वृद्धि सही, ये गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही आपका सही होगा, क्योंकि जनसंख्या जो वृद्धि है ये आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, आर्थिक समृद्धि है, सामाजिक समानता को, आर्थिक सामाजिक असमानता को दूर करना है, गरीबी के निवारण करना, रोजगार में वृद्धि करना, लेकिन जनसंख्या वृद्धि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। अजीत बजाज किस खेल से जुड़े हैं? सभी लोग जवाब दीजिएगा। आइए देखते हैं, अजीत बजाज साहसिक खेल से जुड़े हैं, यह खेल दुनिया खतरनाक खेलों में से एक है, इन्होंने कयाकिंग के लिए राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक, स्विट्जरलैंड में, साइबेरिया में, रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता में एक रजत और दो कांस्य जीते थे, बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण है, अभिनव शर्मा, पुलेला गोपीचंद्र, सचिन राठी, अपर्णा पोपट, साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन से हैं। क्रिकेट पहला टेस्ट मैच कब हुआ था पता है? क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच, पहला टेस्ट 15 मार्च 1877, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का पहला रन चार्ल्स बैनरमैन ऑस्ट्रेलिया, विश्व का पहला विकेट हिल इंग्लैंड ने, विश्व का पहला टेस्ट शतक बैनरमैन 165 रन ऑस्ट्रेलिया, विश्व का पहला ओवर अल्फ्रेड शाह इंग्लैंड के। अब 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, जवाब जरूर दीजिएगा, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बताइए सभी लोग। चौदह अप्रैल को क्या मनाया जाता है? जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर 14 अप्रैल की बात की जाए तो यहां पर अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती। अंतर्राष्ट्रीय चाय 15 दिसंबर, वन्य जीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। क्या आपको चारों विकल्प तैयार हो गया? क्या आपको चारों विकल्प समझ में आया? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सबको समझ में आ गया? इससे बेहतर अगर कोई यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दे तो चैनल को जरूर छोड़ दिएगा, अगर इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा तो यार वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला 34, 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति भवन के जारी वक्तव्य में भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई, बताइए। यह पुरस्कार नानाजी देशमुख मरणोपरांत डॉक्टर भूपेन हजारिका मरणोपरांत को प्रदान किया जाएगा, सही। अब से 45 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, सही। याद रखिएगा, यह पुरस्कार स्थापना 1954 में थी, सही।
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को मिलता है। अभी तक यह 45 लोगों को मिल चुका है। कितने लोगों को? 45 लोगों को। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, ये सभी। क्या आपको समझ में आया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? एकदम आसान प्रश्न मैं लेकर आता हूं, जो परीक्षा में चारों विकल्प की व्याख्या कर सको और परीक्षा वाले प्रश्न हो। अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के जन्मदिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 28 जुलाई प्रकृति संरक्षण दिवस, 29 जुलाई क्या होगा, 12 अगस्त क्या है, विश्व युवा दिवस, 29 अगस्त क्या है बताइए, 29 जुलाई क्या है, बाघ, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है, कौन सा सफेद फास्फोरस है? बताइए। देखिए, सफेद फास्फोरस जो है वो P4 है। यह मोम जैसा मुलायम रवेदार होता है, लहसुन जैसी गंध होती है। इसे प्रकाश में छोड़ देने पर धीरे धीरे पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीला फास्फोरस कहते हैं। स्वेत फास्फोरस को नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में लगभग 250 सेल्सियस पर गर्म करने पर यह लाल फास्फोरस में बदल जाता है। सल्फर का साधारण नाम क्या है? सल्फर का साधारण नाम क्या है बताइए? सल्फर का साधारण नाम ब्रिमस्टोन है। क्या है? ब्रिमस्टोन है। यह हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस है। यह 3 रूप में पाया जाता है। अगर हम फ्रियान की बात करें तो इसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, माने फ्रियान है CF2Cl, इसे डाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। गैलेना लेड सल्फाइड है, ठीक। लाइम कार्बोनेट होता है, ये लाइम क्या होता है, कार्बोनेट होता है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? लाइम कार्बोनेट को कहते हैं, ये पत्थर होता है, ठीक, समझ में आप लोग को? कोई दिक्कत, किसी को समस्या? इसे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे तो आप छोड़ दीजिएगा। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? NH2 × 2CO। इसका एक नाम और भी है, लिखना चाहें लिख लीजिएगा, H2N CONH2। इसके कार्बामाइट भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बामाइट भी कहते हैं। यह जल में अविलेय है। यूरिया अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण
आगे हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर इससे बेहतर पढ़ाई कोई तो बताइएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होता जरूर, लेकिन सिलेक्शन से बढ़कर नहीं होता। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले का नाम बदलकर अयोध्या रखा? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर है। मेरी क्लास आपके लिए निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध होती है। बाकी सभी क्लास की लिंक टेलीग्राम पर मिलती है, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। यह क्लास प्रतिदिन रात 9:30 चलती है। इसकी लिंक अपने पास रखिएगा टेलीग्राम पर जुड़कर। और आपको पता होगा CA माने करंट अफेयर की क्लास सुबह 6:30 पर होती है, सूरज की पहली किरण के साथ। अयोध्या का फैजाबाद, इलाहाबाद का नाम बदल क्या रखा गया? प्रयागराज। फैजाबाद कब रखा गया? 13 नवंबर को 2018। गोल्डन चावल एक प्रचुर मात्रा का स्रोत है। 40 गोल्डन चावल, 40 नंबर, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। यह होगा विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में जान लीजिएगा, यह जिसमें बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावल में विटामिन ए का अगुआ है, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के टॉप 50 की जगह 40, क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया। कल हम लोग टॉप 50 प्रश्न की सीरीज को निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक मैराथन क्लास आपके लिए निरंतर चालू रहेगी, तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। 9:30 सुबह, 6:30 शाम के, 8:30 स्पेशल क्लास चलती है। जी हाँ, 9:30 भी, 8:30 शाम के 5 से लेकर शाम के 5 से रात के 11 तक लगातार निःशुल्क क्लास चलती है। सुबह 6:30 करंट की सीरीज मिलती है। नैनो मैगजीन, परीक्षा मैगजीन आपके लिए तैयार हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी लोग जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा और सबको बता दीजिएगा 9:30 तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी क्लासेस, अन्य आपके लिए स्पेशल क्लास शुरू हो रही है, जिसकी लिंक आप सभी को टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी। इतना क्लासिक डेटा खत्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बाय बाय। जी हाँ, CA की क्लास सुबह 6:30 करंट अवेयरनेस क्लास चलती है डेली, सुबह 6:30 सूरज की पहली किरण के साथ। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, देश हित में, राष्ट्र हित में। जी हाँ, मिल जाएगा जल्दी, सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, 24 घंटे बाद PDF भी उपलब्ध हो जाएगा। साइंस की क्लासेज जल्दी आपके लिए 1-2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएंगी, साइंस मैथ सभी की। बाय बाय।